हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले में 10 से ज्यादा FIR स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों पर दर्ज की जा चुकी है। खैर, ये बवाल उस वक्त और बढ़ गया जब ABVP छात्रों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंदिर में प्रवेश करने का जमकर विरोध किया, जिसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रक्रिया सामने आई और उन्होंने सवाल कर दिया कि क्या मैं शूद्र हूँ। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी उन्हें नकली हिंदू साबित करने में जुटी हुई है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती इस बयान की आड़ में उन पर शोषितों बरगलाने की बात कह रही हैं। इन सबके बीच आज राजधानी में सपा कार्यालय पर गर्व से कहो हम शूद्र हैं लिखा पोस्टर लग गया है। मेन गेट के पास लगे इस पोस्टर में उत्तम प्रकाश सिंह पटेल का नाम शूद्र शब्द के साथ लिखा हुआ है। उत्तम प्रकाश सिंह पटेल कुर्मी महासभा के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। आते जाते लोगों की नजर इस पोस्टर पर टिक रही है और कई तरह की चर्चाएं भी लोगों के बीच चल रही है। अब सपा नेता सुनील सिंह साजन की तरफ से शूद्र पोस्टर पर बयान दिया गया है। देखिए, जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर का है, तो उसे क्या बुराई क्या है और किसको तकलीफ है? भाई, हम समाजवादी लोग हैं और हम तो सनातन धर्म के बड़े जानकारों से जानना चाहते हैं कि जब सनातन धर्म में चार वर्ग हैं, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, बाकी सब शूद्र हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से हैं वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6,743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं, और इसमें क्या बुराई है? हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं।